लेखक हैं, आप संगीतकार हैं, आप खुद लिखते हैं, कंपोज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो आप ज्यादातर ऐसे गाने लिखते हैं जो रूह को छू जाते हैं। आपने खुद कहा कि इसके लिए इंसान को बहुत डीप सोचना पड़ता है, बहुत अंदर तक जी जाके अपने मन में झांक कर सोचना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है इंसान का मन उसके साथ हमेशा साथ नहीं देता, हमेशा कोऑर्डिनेट नहीं करता। तो तब जी आपने ऐसे कोई चैलेंजेस फेस किए कि अब मेरे पास लिखने को ज्यादा कुछ आइडियाज नहीं आ रहे, कुछ प्रेरणा नहीं मिल रही, तब आपने क्या किया और आपने कैसे आप इससे ऊपर उठे? तब मैंने इंतजार किया। मैं एक बड़ा मजे की बात बताता हूँ। मैं मैनचेस्टर में था, तो मुझे ना अमरिंदर भाई की कॉल आई, अमरिंदर गिल की। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे कहते हैं यार मैं आया हूँ, तू आओ करना है ये वो काम ब्ला ब्ला। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हम हमेशा फोन पे काम करते थे, तो मेरा पहला पहली मुलाकात थी उनसे। तो आई वॉज इन ट्रेन, और पूरे रास्ते ना मैं यही दुआ कर रहा था कि मेरी वहां जाके बस जो है ना एक आमद जो होती है ना वो चल जाए, मतलब मेरे दिमाग में कुछ आ जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप इतने बड़े आर्टिस्ट के सामने, मैं पर्सनली इमरिंदर भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा, और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी कि जिस इंसान का मैं फैन हूँ आज मैं उसके साथ बैठ के काम करने जा रहा हूँ। तो मैं पूरे रास्ते ये सोच रहा था कि एक इंसान का मैं फैन हूँ, पता नहीं मैं उनके सामने जब लिखने बैठूंगा तो मेरा दिमाग काम करेगा भी या नहीं करेगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग काम किया और 4 घंटे में मैंने 2 गाने लिखे और हो गया। दूसरी बात ये आती है कि आपने कहा कि जब ऐसा कुछ नहीं होता तो आप क्या करते हो, तब मैं ना फिर इंतजार करता हूँ, मैं अपने आप को आराम देता हूँ, सुकून देता हूँ। बात वही आ जाती है, देखें एक मजे की बात बताता हूँ, जब इंसान सोच के लिखता है ना तब इंसान सोच से लिखता है, जब इंसान सोच के लिखता है तब इंसान सोच से लिखता है, जब इंसान दिल से लिखता है ना तब इंसान वो लिखता है जो उसके अंदर चल रहा होता है। देखें एक सोच के लिखना पता है क्या होता है, सोच के लिखना वो होता है कि यार आप एक कारोबार कर रहे हो, आप एक काम कर रहे हो, अच्छा आपने ना कुछ लिखना है सोच के यार मैंने इस पे कुछ। लेकिन जब आपने दिल से लिखना है ना तो फिर आपने वो लिखना है कि यार मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा गैप देता हूँ। ये भी होता है आपको पता है कि जब आप एक काम की अक्सरियत बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो ना तो फिर एक टाइम आता है उस पे आके या आपका दिमाग थक जाता है या आप खुद थक जाते हो। तो मुझे लगता है कि कोई भी काम है ना उसमें आपको अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, आराम देना चाहिए, उसके बाद फिर आप उसको 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद दोबारा से स्टार्ट करो। आप एक नई सोच से आओगे, आप एक नई जो है ना वो एक नई वाइब लेके आओगे। तो मैं फिर ये करता हूँ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो मेरे साथ ऐसा है।